चलो करो शुरू। जी भाईजान, फाइव लेक्चर 111। पास्ट पेपर क्वेश्चन 2। पेज 138। भाईजान ये एक डेफिनेशन है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। डिफाइन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पास पेपर क्वेश्चन 2। स्टेट द क्राइटेरिया विच शुड बी मेट इफ गुड्स और सर्विसेज टू आर कस्टमर आर कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट चीजें हो जाएं इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? चीजें डिस्टिंक्ट हो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? 2, ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट हो और टुगेदर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हो। ये बात जो है ना, ये जो थ्योरी के सवाल हैं ये मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा बना के, उसमें मैं थ्योरी के सवाल और उनको स्टैंडर्ड के पैरा साथ साथ बताता रहूंगा, और जो भी हमारी किताब में से भी सफ़े हैं ना टिक क्रॉस करवाने हैं वो भी एक करवा दूंगा। अच्छा जी, तो भाईजान सवाल है हमारा 2 का बी। इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 15 डिस्कस वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिप्रेजेंट अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या एक से ज्यादा। ये तो ऑब्वियस सी बात होती है, रिप्रेजेंट अ सिंगल या एक से ज्यादा। ECL has entered into a contract with customer for construction of a residential project. क्या कंस्ट्रक्ट करके देने? घर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसमें वो बेचेगा मटीरियल, सर्विसेज देगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ECL and its competitors provide such services separately too. ECL और उसके competitors ये चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ें ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि हमारे सप्लायर्स भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इनडिस्टिंक्ट नहीं है, चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। क्यों? अदर सप्लायर्स, पहला सवाल हमारा होता था कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम सर्विसेज इंजीनियरिंग एंड मटीरियल फ्रॉम ऑन इट्स ओन, बिल्कुल, क्योंकि अदर सप्लायर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला सवाल ये होता है कि क्या एंटिटी इंटीग्रेशन करके दे रही है? एंटिटी दो किस्म की इंटीग्रेशन करके देती है, कई दफा काफी सारे इनपुट्स को मिला के एक कंबाइंड बड़ा आउटपुट दे देती है, कई दफा आउटपुट कोट होता है उसके साथ इंटीग्रेशन के लिए ऑल्टरेशन की सर्विसेज कर देती है, इनपुट आउटपुट को ऑल्टर कर देता है। तो इस सिनेरियो के अंदर देखें, इस सिनेरियो के अंदर तो सारे इनपुट मिलकर कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं, क्योंकि सवाल की पहली लाइन पढ़ें, फॉर कंस्ट्रक्शन हमने बात की है। और अगर सवाल में लिखा होता ECL has entered into a contract with Kashif Builders to sell material services engineering site clearance separately, तो मुझे अकेले अकेले ये चीजें दे दो, बनवा मैं किसी और से लूंगा, तो फिर ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग अलग होती। वाई? क्योंकि ऐसी सूरत में इनपुट्स मिलके आउटपुट एंटिटी बना के नहीं दे रही। तो जब हमारा सेलर इनपुट्स को मिला के आउटपुट बना दे या हमारा सेलर आउटपुट को ऑल्टर कर दे, दो सूरतें पड़ी थी, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये चीजें जो है। तो अब अगली बात मोहतरम ये है कि ये इन इट सेल्फ तो डिस्टिंक्ट है, बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड, देयरफॉर दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट। इफ नॉट डिस्टिंक्ट दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और एक और सादा तरीका होता है इसके सोचने का, भाई वो तो एक ही प्रोडक्ट दे रहा है घर, तो इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो एक ही चीज बना के दे रहा है, क्या? घर, बस घर बना के दे रहे हैं। जैसे KFC वाले सिर्फ बर्गर दे रहे हैं, वो नहीं कह रहे हम आपको बोटी भी बेच रहे हैं, हम आपको बंद भी बेच रहे हैं, हम आपको प्याज भी बेच रहे हैं, बीच में कैचअप भी बेच रहे हैं, वो सिर्फ बोटी दे रहे हैं, नहीं वो सिर्फ बर्गर दे रहे हैं, तो एक ही चीज बना के दे रहे हैं ना वो। ओके, Solutions Limited, a software developer, entered into a 2-year contract with a customer to provide software license. Software license तो वो जो फाइल होगी जो आप डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस मिलेगा आपको।
इंक्लूडिंग फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, फ्यूचर में सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जाएगा, एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विसेज। तो तीन वादे हैं। पहला वादा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको देंगे, दूसरा वादा है अपडेट करके दिया करेंगे, तीसरा वादा है इंप्लीमेंटेशन और सपोर्ट सर्विस देंगे। द सॉफ्टवेयर वुड रिमेन फंक्शनल इवन इफ द अपडेट्स एंड इवन इफ द सपोर्ट्स आर, अगर आप अपडेट ना दें और आप सपोर्ट सर्विस ना दें तो भी सॉफ्टवेयर चलता रहता है। कई सॉफ्टवेयर्स आपके मोबाइल में और कई सॉफ्टवेयर्स आपके लैपटॉप में आपको पता है ऐसे पड़े होते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स का अपडेट आता है और आप रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते हैं। आप कहते हैं मुझे अपडेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं पुराना वर्जन ही पसंद करूंगा, मुझे अपडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर अपडेट जो है, अपडेट के बारे में स्पेसिफिक बात थी जो आज मैंने करनी थी, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रूरी नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट को डिस्टिंक्ट समझा जाएगा, ऑन इट्स ओन भी और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि फिर सॉफ्टवेयर अपडेट कोई ऑल्टरेशन टाइप चीज नहीं है। ये एक अलग कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि अपडेट कर दो, वो आपने उसको अपडेट करके दे दिया। तो अपडेशन साल बाद, छह महीने बाद आती रहती है, इसको आपने डिस्टिंक्ट समझना है। तो अपडेट के बारे में रूल लिख लें, और सर्विसेज तो याद रखिएगा वैसे ही डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सर्विसेज जरा सुनिएगा होती क्या है। सर्विसेज तो बाय डिफॉल्ट ही डिस्टिंक्ट होती हैं, रीजन सुनिएगा क्यों। सपोर्ट सर्विस, आपने गाड़ी ली, अब वो आपको गाड़ी बेच देंगे और सपोर्ट सर्विस दो साल देंगे, तो क्या गाड़ी और सपोर्ट सर्विस इंटीग्रेट होके कोई कंबाइंड आउटपुट बन रहे हैं? वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट आउटपुट्स हैं यार। आप ये तो नहीं कह सकते कि मेंटेनेंस ऑफ टू ईयर इस ऐसे गाड़ी में डाल दो कि गाड़ी एक नई चीज बन जाए। तो मेंटेनेंस सर्विस तो बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट है, हमेशा अलग है, ऑन इट्स ओन भी और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी। तो मेंटेनेंस तो हमेशा ही डिस्टिंक्ट होगी, इसका मतलब है मेंटेनेंस अलग, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन समझी जाएगी, गाड़ी बेचना सिमिलरली। सॉफ्टवेयर में कभी भी कोई मसला आ जाए तो सपोर्ट सर्विस आप फोन पे लेके बताते हैं, यार ये चीज नहीं चल रही, ये चीज नहीं चल रही यार, ये बटन कहां पे है, ये बटन कहां पे है। तो सपोर्ट सर्विस सॉफ्टवेयर की हालत को बदल नहीं देता कि सॉफ्टवेयर बाद में जो है वो कि मैं कुछ और हूं और ये चीज मेरे अंदर आके मर्ज होगी और इंटीग्रेट होगी है। तो सपोर्ट सर्विस तो बाय डिफॉल्ट ही डिस्टिंक्ट है, यानी हमेशा ही डिस्टिंक्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट को आपने तब डिस्टिंक्ट कहना है जब सॉफ्टवेयर अपडेट जब सॉफ्टवेयर अपडेट जरूरी ना हो। और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के बगैर सॉफ्टवेयर ही ब्लॉक हो जाएगा तो फिर उसको कहा जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट उसको आके इंटीग्रेट कर रहा है। क्लियर? तो लिखें सॉफ्टवेयर, ये जो सपोर्ट सर्विस, सपोर्ट सर्विस तो हमेशा ही डिस्टिंक्ट होगी, क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती ना। इंटीग्रेट इसे कैसे करेंगे आप, उसे सॉफ्टवेयर में कैसे डालेंगे? सर्विस तो अलग से एक चीज है, तो सपोर्ट सर्विस तो हमेशा ही डिस्टिंक्ट होगी। पास पेपर क्वेश्चन टू, सपोर्ट सर्विस हमेशा ही डिस्टिंक्ट होगी दोनों एतबार से, समझ आया लफ्ज? विद इन इटसेल्फ भी और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी। और सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए डिस्टिंक्ट है, इस सवाल में बता रहा हूं, और सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए डिस्टिंक्ट है क्योंकि सॉफ्टवेयर इसके बगैर भी चल सकता है। इस सवाल में सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए डिस्टिंक्ट है, अलग चीज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसके बगैर भी चल सकता है। इस सवाल में अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर सवाल में लिखा ना हो, बस बताया हो सॉफ्टवेयर अपडेट हम आपको करके दे दिया करेंगे, जब कभी जरूरत हुई अपडेशन दे दिया करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या एज्यूम करेंगे? बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेशन की कोई जरूरत नहीं होती। अपडेट आप 90% अपडेट्स मैं भी अपने उस पर रिजेक्ट ही कर देता हूँ, छोड़ो पर यार क्या अपडेट करनी है, फिर सिस्टम हेल्ड हो जाएगा और वो सोने पर चला जाएगा, घंटे बाद दोबारा ऑन है मोबाइल ने, छोड़ो यार अपडेट को। तो बाय डिफॉल्ट अपडेट बिल्कुल जरूरी नहीं होते, बहुत रेयर सर्कमस्टांस में कोई ऐसी एंटिटी होती है जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट आप करो ना तो वो डिलीट हो जाता है, वरना सॉफ्टवेयर तो चलते रहते हैं। अच्छा आज बड़ी मजे की डिस्कशन है, इसमें से पहले दो सवाल हमने किए हुए हैं, अगले सवाल हमने करने हैं। ये सवाल आपको नोट करने की जरूरत नहीं, रजिस्टर पे इनके सॉल्यूशन आप नोट करेंगे और जो साथ में आपको उर्दू या इंग्लिश लिखवाऊंगा वो आप नोट करेंगे, लेकिन
असल में ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तो हैं, लेकिन आज के नोट्स में क्वेश्चन 20, 21, 22 और 23 हैं। तो बजाय कि मैं इसको 1, 2, 3, 4 करूं, मैं इसके वही नंबर दे देता हूं। क्वेश्चन 20, 21, 22 और 23। अच्छा, मैंने आपके सामने चार कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हैं और इन चार कॉन्ट्रैक्ट्स की आपने जनरल एंट्रीज करनी है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन, यानी बैलेंस शीट के फेस पे चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, ये मैंने एक एक लाइन इधर छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे मैं इनकी पे आपको कुछ कंक्लूजन लिखवाऊंगा, तो आप बस रजिस्टर पे इसके सर सोल्यूशन लिखना शुरू करें। वैसे तो सोल्यूशन आज के नोट्स में भी मैंने डाल दिए हैं, क्वेश्चन भी ये डाल दिए हैं, लेकिन नोट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। जी, पैसे आ गए 100 रुपये, ये तो सादा सी मिसाल है। 100 रुपये पैसे आए होंडा के पास 1 जनवरी को, और होंडा ने सर आसिफ को 31 जनवरी को गाड़ी बेच दी। ये तो वो हमने सवाल किए थे, एक हाथ हाथ में पैसे थे और लैपटॉप था, तो उस तरह का सवाल किया था। लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा या नहीं, क्योंकि मैंने डिस्काउंट रेट सवाल में दिया नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो ये तो सिंपल सा सवाल है। तो कौन सा है भाई ये स्लाइड नंबर, किसी को याद हो? ये देखो ना यार, अच्छा जी, ये स्लाइड थी, इसमें देखें कैश आ रहे और चीजें डिलीवर हो रही हैं, लेकिन इंटरेस्ट इंटरेस्ट से आज मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? कैश आ रहा है और चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, इंटरेस्ट से मैं नहीं खेलूंगा। तो बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है, आप अटेंटिव से पहली एग्जांपल से आपने जो है वो चीज़ें मुझे करवानी शुरू कर देनी है। जी, होंडा कार्स वालों ने सर आसिफ को गाड़ी बेची 100 रुपये की, पैसे 1 जनवरी को आए, सर आसिफ को गाड़ी डिलीवर की 31 जनवरी को। बताएं जी, 1 जनवरी को, किसी ने नोट से सोल्यूशन नहीं देखना, बोलें जी। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर कार, लाइबिलिटी टू डिलीवर कार, कितने रुपए जी? 100 रुपए। अच्छा जी, गुड्स आर सोल्ड ऑन 31 जनवरी, तो चीज़ें 31 जनवरी को भेज दी। इंटरेस्ट वगैरह से खेलने की चक्कर नहीं, क्योंकि एक साल से कम की ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है सवाल में, इन सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, इग्नोर करें। जी बोले भाई, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट, कितने से? 100 से। तो ये इंट्रो की क्लास में एंट्री पढ़ाई जाती है, अगर पैसे पहले आ जाएं और चीज़ें बाद में बेचें, तो पहले लाइबिलिटी बुक करते हैं और फिर लाइबिलिटी ख़त्म कर लेते हैं। अगला सवाल जी, गुड्स ऑफ 120 आर सोल्ड ऑन 1 जनवरी, चीज़ें कब बेची? 1 जनवरी को। और कैश इज रिसीव्ड ऑन, ये तो नॉर्मल मुझे इंट्रो की पहली 2-3 क्लासों में ये एंट्री करवा दी जाती है, रिसीवेबल डेबिट कि क्या? नोट्स भाई, नोट्स बंद कर दें यार, किसी के पास अगर हैं तो नोट्स से कंपेयर ना करें चीज़ें, प्लीज़ हद होगी। अच्छा जी, बोले बोले बोले, रिसीवेबल डेबिट या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कितने से जी? 120 से। और डेट बताएं क्या? यकम जनवरी। तो चीजें पहले बेची हैं, पैसे क्या आए हैं? बाद में आए हैं। आगे बोलें, 31 जनवरी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, वैसे स्टैंडर्ड ने रिसीवेबल का लफ्ज यूज किया ज्यादा जगहों पे, बहरहाल हम तो कोई मसला नहीं, डेटर के भी उतनी मार्क्स मिलेंगे, डेटर का लफ्ज लिखने के 120। डन जी,
नोट कर लेंगे दोनों का सोल्यूशन, क्वेश्चन 20 का और 21 का। क्या चीज नीचे कुछ नहीं आना, बस एंट्री होगी खत्म, क्वेश्चन नोट नहीं करना आपने, क्वेश्चन नोट्स में डला हुआ आज के। अच्छा जी, यकम जनवरी को मैं अगर कहूं बंदे को कि तूने मेरे पैसे देने हैं, और वो अगला बंदा कहे कि यार मैंने देने ही नहीं, तो अभी 31 जनवरी तो आया नहीं, दूर की बात है, मैं 1 जनवरी को उसे कोर्ट में जाके ये तो कह सकूंगा ना, वो भाई खुदा का खौफ कर, मान तो सही पैसे देने हैं, बाद में 31 जनवरी को दे दी मुझे, तो अगर 1 या 2 जनवरी को वो मुझे मिले और मैं से कहूं भाईजन मैंने तुझे गाड़ी बेच दी है, तूने पैसे देने हैं, और अगर वो आगे से कहे नहीं दूंगा नहीं देने, वो मैं कहूंगा भाई चल कोर्ट में, मैं उसे 1 जनवरी को ही कोर्ट में ले जाऊंगा, और कोर्ट में जाके क्या कहूंगा, मेरा राइट है पैसे लेने का, मेरा राइट, तो डेटर मैंने डेबिट कर लिया, ऐसे तो ना कि हाँ मुझे पता है तूने महीने बाद पैसे देने हैं, लेकिन मान तो सही ना तूने पैसे देने हैं, तू तो इनकार ही हुआ बैठा पैसे देने से। डन। क्वेश्चन 22 गुड्स कब सेल हुई है, आपका पैसे लेने, सेलर का पैसे लेने का हक बनेगा 10 जनवरी को, जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा चीज का, और पैसे कब रिसीव होंगे, 31 जनवरी को। डेट्स बताएं, 1 जनवरी, 10 जनवरी, 31 जनवरी। डन। अब ये ट्रांजेक्शन वो थी जो मैंने आपको समझानी थी, गुड्स ऑफ 130 आर सोल्ड ऑन 1 जनवरी, 130 रुपए की होंडा एटलस कार ने कोई नई किस्म की गाड़ी बनाई और वो सरासिफ को बेच दी, गुड्स आर सोल्ड ऑन 1 जनवरी, बेच दी, सरासिफ ने कहा भाईजन ये नई गाड़ी है, पाक व्हील्स का वो कौन है, सुनील मंज, तो वो पाक व्हील्स एक पाकिस्तान में दारा है, सुनील मंज साहब, उनको मैंने बुलाना है, पैसे मैं दे दूंगा, पैसों की टेंशन ना लें, लेकिन आपका पैसे लेने का हक तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो पाक व्हील्स के दारे का बंदा आके मुझे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ना करके दे दे गाड़ी का, गाड़ी आपने बेच दी है लेकिन पैसे मुंह से तुम्हारे मांगने का हक कब बनेगा, 10 जनवरी को, जब वो आके क्या कर दें, तो बता दें एट द टाइम ऑफ, हाँ जल्दी जाओ भाग के आना, क्या करना है, हाँ हाँ स्केल ले लो, जो छुएगा जल जाएगा, चलो जल्दी करो भाग के जाओ, ऐसे भाग के जाओ। अच्छा जी, तो सरासिफ को गाड़ी कब बेची, 1 जनवरी को, लेकिन सरासिफ ने कहा राइट टू रिसीव मनी होंडा तेरा तब एस्टेब्लिश होगा जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 10 जनवरी को हो जाए, और पैसे इंशाल्लाह मैं 31 जनवरी को तुझे दे दूंगा, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं 1 जनवरी को होंडा वालों के दिल की आवाज होगी कि पैसे आ जाने हैं, लेकिन वो दिल की आवाज सरासिफ के सामने मुंह पे नहीं आ रही होगी, लेकिन दिल की आवाज होगी कि पैसे आ जाने हैं, 1 जनवरी को होंडा का ओनर सोच रहा होगा इस गाड़ी के पैसे मुझे आ जाने हैं, लेकिन सर आसिफ के सामने 1 जनवरी को क्यों नहीं बोलता होगा, क्योंकि सर आसिफ ने एक कंडीशन लगा दी है कॉन्ट्रैक्ट में, पैसे तू तब मांगी जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो जाए, तो ये जो दिल की आवाज होती है इसको रिसीवेबल नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो एक नया लफ्ज़ हम ऐड करने लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये एसेट ही है, और अगर 2 जनवरी को बैलेंस शीट एंड हो जाए तो फिर बैलेंस शीट में डेटर नजर नहीं आ रहे होंगे, फिर एक चीज नजर आ रही होगी दिल की आवाज, उसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होगा कि अभी आप कस्टमर के जाके कहेंगे मैं तुझे कोर्ट में केस करता हूं पैसे दे, कस्टमर कहेगा 10 जनवरी को तेरा राइट बनेगा पैसे मांगने का, अगर कोर्ट में तू जाता भी है 10 जनवरी के बाद जा, 10 जनवरी से पहले तू मुंह से कह भी नहीं सकता कि पैसे दो, और तेरा हक भी नहीं है पैसे मांगने का, क्योंकि डिपेंड है पैसे मांगना किस पे। तो भाई जन इस दिन हम एंट्री करेंगे, इसकी मैं नरेशन क्या लिखूं, गुड सोल्ड विद कंडीशन,
जिस तरह जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन होते थे, गुड सोल्ड विद कंडीशन, चीजें बेचती हैं कंडीशन लगा के, चीजें बेचती हैं कंडीशन लगा के, बोले बोले बोले। ये दिल की आवाज है भाईजान, ये डेटर नहीं है, ये दिल की आवाज है, ये दिल की आवाज है, लेकिन ये दिल की आवाज तहरीरी शक्ल में सामने आ जाएगी। सरासर से नहीं मांग सकते आप, लेकिन दिल की आवाज को भी लोग आपको पता है तहरीर कर देते हैं। तो दिल की आवाज है आपकी, लेकिन सर आसिफ से आप राइट टू मनी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और भाई एक बात याद रखिएगा, पूरी अकाउंटिंग में डिलीवरी हो गई है, सेल बुक हो जानी चाहिए। सेल पे हमें कोई एतराज नहीं, डिलीवरी हो गई है, सेल बुक हो जानी चाहिए, सेल को पेंडिंग ना करें जी। दिल की आवाज ब्रैकेट में लिख के, और कोई नहीं घर में किसने पढ़नी है ये एंट्री जी। बोले बोले पूछे भाई, मोहतरम सवाल पूछे यार। ये ना सवाल में अगर कोई ऐसी लाइन आ जाए ना कि क्वालिटी कंट्रोल में अगर चीज़ें एक्सेप्ट ना हुई तो हम वापस कर देंगे, तो फिर हम ये वाला रूल अब सेल पे भी लगा के देखेंगे, सेल को बुक ही नहीं करेंगे अगर कोई ऐसी लाइन आ जाए। वरना ये जो इस तरह की कंडीशंस होती हैं ना, बस एक जनरल किस्म की कंडीशंस होती हैं, बिजनेस की नॉर्म्स होती हैं। तो इसलिए इसको आपने सेल को बुक करने से नहीं रोकना इसी सूरत में। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट, डन। 10 जनवरी को क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू सवाल में नहीं लिखा तो हो गया ना, हो गया और बस खत्म होगी बात। तो 10 जनवरी को जब वो आए, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर दिया, अब जाके होंडा का ओनर सर आसिफ को कहेगा, मैंने तेरे से पैसे लेने, मैंने तेरे से पैसे लेने। दिल की आवाज जबान पे आ गई, दिल की आवाज जबान पे आ गई, एंट्री बोलने जबान डेबिट, दिल क्रेडिट। अब तो बोलेंगे ना हम, अब तो 10 जनवरी को हम जो है वो अपनी जेब के अंदर एक छोटी सी डिवाइस डाल लेंगे, उसका बटन ऑन करेंगे और सरासी के सामने खड़े होकर कहेंगे, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये पता नहीं क्यों कह रहे पैसे दो, अब मैं बात नहीं कर रहा अगली, मुझे बुरा लगना है। डेटर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट, इसकी आप हेडिंग दें कंडीशन फुलफिल्ड, इसकी हेडिंग दें कंडीशन फुलफिल्ड। जब कंडीशन पूरी हो जाए ना, तो फिर पैसे लेने का हक बढ़ जाते, और फिर वो जो दिल की आवाज होती है अब उसको आप खत्म कर दें, अब इसको जबान के अल्फाज बना दें। डेटर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट, आगे कुछ भी नहीं रह गया। अब कैश डेबिट करना है तो क्या करूं, डेटर ही खड़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट की किताबों से फारग हो गया। एंड जी, फिर सेल को रिवर्स कर लो यार। ये मैं, मेरी दुआ थी वैसे अल्लाह से, कॉन्सर्ट में समझा रहा हूँ, इस साइड पे लोग ना निकले, लेकिन लोग इस साइड पे निकल गए। लोग ये कह रहे हैं कि इनको कॉन्ट्रैक्ट एसेट पे एतराज़ नहीं हो रहा, इनको किसी और साइड पे एंटी की क्रेडिट साइड पे एतराज़ हो रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे शायद सेल डिपेंडेंट है। अगर ऐसा हो तो सवाल में लिखा होता कि द गुड्स विल बी रिटर्न्ड इफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिजेक्टेड, इफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में गुड्स रिजेक्ट हो गई तो चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। अगर ऐसा कोई लिखा होता तो फिर हम सेल बुक ना करते, फिर सेल भी बुक ना करते, बल्कि एक तरह की कोई लाइबिलिटी होती हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ सवाल में, तो प्लीज़ उस साइड पे ना जाएं जो मैं जिस पे लेके जाना नहीं चाह रहा। उस साइड की डिस्कशन कल भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट ज़रा बिल्डिंग हो रही है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने दें, ठीक है। सेल बुक करना नहीं करना ये अलग बात है, मुझे डेबिट साइड पे मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ, क्रेडिट साइड पे मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा अभी। ओके जी, नंबर वन, 1 जनवरी को जब मैंने चीज़ें बेची तो मैं बार बार मुंह से बोल क्यों नहीं सकता 1, 2, 3 जनवरी को पैसे दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, पैसे लेने का हक कब बनेगा, डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे। तो इसका मतलब है चीज़ें मैंने कंडीशन लगा के बेची हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट कर दें और डेटर को डेबिट कर दें। आगे बोलें, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से, 130 से। अच्छा जी, ये तो सिंपल एंट्री है ना, इसका तो कोई मसला नहीं, डेटर से पैसे आ गए। अब मोहतरम कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब कब रिकॉर्ड करना पड़ता है, आज के नोट्स में आ जाए। ये मैंने ना ऐसे ही आपके सामने कुछ मिसालें लिखी हैं आपके समझने के लिए। इधर देखो भाई, एग्जाम्पल 4, शॉपकीपर डिलीवर्ड बर्गर रात को 11:55 में KFC वालों ने आपको KFC में बिठा के
बर्गर डिलीवर कर दिया, बर्गर डिलीवर कर दिया, आपने कहा कैचअप, उन्होंने कहा सर अभी तो नहीं है, कस्टमर डिक्लेयर्स द पेमेंट टू बी कंडीशनल अपॉन रिसीविंग द कैचअप, आपने कहा भाईजान चटनी आएगी तो समोसा खाऊंगा, सॉरी जारी बात है, मेरे जैसा बंदा होगा कब कैचअप नहीं है तो कहां से बर्गर खाएं, तो अब कैचअप नहीं है तो बर्गर कहां से खाए, शॉपकीपर डिलीवर्ड बर्गर एट 11:55 PM और आपने मुंह से बोला कि मोहतरम मैं बर्गर के पैसे नहीं दूंगा जब तक के कैचअप ना आ जाए, उन्होंने कहा इंशाल्लाह कैचअप कल आएगी, यानी 7-8 मिनट में, 11:55 है, उन्होंने कहा कैचअप कल आएगी, आप परेशान ना हो, बर्गर आपका गर्म ही रहेगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है, इस पर कपड़ा डाल दें, बर्गर गर्म ही रहेगा। तो शॉपकीपर डिलीवर्ड बर्गर एंड कस्टमर डिक्लेयर्स द पेमेंट टू बी कंडीशनल अपॉन, आप बता दें 31 दिसंबर की रात आई 12 बज गए, मैकडॉनल्ड्स के हेड ऑफिस का फोन आया, भाईजान P&L भेजो और बैलेंस शीट भेजो, ये सेल बुक करें ना करें, अभी तक कैचअप डिलीवर नहीं की, और भाईजान सेल बुक कर लें यार, खुदा के लिए सेल बुक कर लें, सेल बुक कर लें, क्या गुड सोल्ड विद कंडीशन है ना, कंडीशन लगी है, अब आप क्या बाहर 31 दिसंबर की रात को बाहर शेयर होल्डर्स की लाइन लगी हुई है डिविडेंड दो में, अब सवाल यह है कि सेल में डालना है या नहीं डालना, तो जवाब बताएं क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल ऑफ बर्गर क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल ऑफ बर्गर क्रेडिट, डन, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लें, जब जब आप कैचअप डिलीवर कर दें तो फिर आप रिसीवेबल बुक कर लें और कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट कर दें, डन, समझ आ गई ये मिसाल, क्या कंडीशन लगी थी कैचअप डिलीवर करने की। तो होमवर्क का एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए हमने बेच दिया लेकिन कस्टमर ने कहा प्रोडक्ट बी जब बेचोगे तब प्रोडक्ट ए का राइट टू रिसीव तुम्हारा एस्टेब्लिश होगा, तो ये सवाल कर लेंगे होमवर्क का, किस तरह का सवाल होगा, ये मैंने इधर लिख भी दिया पॉइंट 3 में, HP हैज डिलीवर्ड अ लैपटॉप बट अनकंडीशनल ये लफ्ज सुनिएगा, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव अमाउंट विल बी एस्टेब्लिश आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी, आपका अनकंडीशनल राइट कब एस्टेब्लिश होगा, इसका मतलब है जब तक प्रोडक्ट बी डिलीवर नहीं होती आपका राइट कंडीशनल है, जब तक प्रोडक्ट बी डिलीवर नहीं होती आपका राइट क्या है, अनकंडीशनल को उड़ा देना, अब पढ़े, अब समझ आ रही है, अनकंडीशनल का लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है, HP has delivered product A, but right to receive amount will be established after delivery of product B to the समझ आ गई बात की, ठीक है आगे चलें। Point 2, Rise has taught the syllabus, end हो गया syllabus. Rise has taught the syllabus, end हो गया syllabus. And student will pay only if he passes the exam. आमतौर पे तो पता है आपको क्या होता है? नहीं, आमतौर पे आपको पता है क्या होता है, आमतौर पे तो फीस कॉलेज वाले एडवांस में लेते हैं, लेकिन मैं इसे एक अजीब सी दुनिया में आपको लेके जा रहा हूँ जो चांद और खलाई मखलूक पे ही दुनिया हो सकती है, कि स्टूडेंट ने पैसे दिए ही नहीं पूरा सेशन, कॉलेज ने पढ़ा दिया, पढ़ा के फारिग हो गए, क्लासें हो गई, मॉक हो गया, ICAP का पेपर हो गया, स्टूडेंट कहते हैं नहीं दूंगा पैसे जब तक कैचअप नहीं, सॉरी नहीं दूंगा पैसे जब तक मैसेज नहीं आएगा नंबरों के बगैर वाला, अगर नंबरों के बगैर वाला मैसेज आ गया तो पैसे ले लेना, तो आप बता दें ये पैसे लेने का हक तुम्हारा कब बनेगा बोले, तो बताएं किस पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है किसी चीज पे डिपेंडेंट हो गया ना, ओके एंटिटी हैज डिलीवर्ड गुड्स, एंटिटी ने गुड्स डिलीवर की हैं एंड कस्टमर विल पे ओनली आफ्टर अ क्वालिटी कंट्रोल, तो भाई जब भी सेल पे क्या लग जाए, कंडीशन लग जाए, तो सेल भी बुक कर लें कोई मसला नहीं, लेकिन साथ क्या बुक करें, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या है, अगले कस्टमर के सामने कहेंगे मुझे पैसे दो या दिल की आवाज़ होगी पैसे आने हैं, दिल की आवाज़ को तहरीरी फॉर्म में ज़रूर लाना है आपने, और जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो क्रेडिट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट। अच्छा एक मोहतरम चौथा सिनेरियो है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, बिलावल भाई गए और बिलावल भाई वालों ने कहा यार होंडा की कोई कमाल किस्म की गाड़ी जो है वो कौन सी है यार, वो एकॉर्ड, होंडा एकॉर्ड जो नए मॉडल की है ना वो मुझे चाहिए, तो सर कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लें, फिर इससे फ्री है ना बात, हाँ यार चलो लाओ,
अच्छा सर, अब पैसे, पैसों का क्या है? और यार पैसों की टेंशन, मेरे मेरे बारे में तो सोच रहे पैसों की टेंशन, और भाई पैसे जब मर्जी आके ले लें, यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, तुझे मैं कोई कंडीशन नहीं लगाता, तेरा तेरा अनकंडीशनल राइट है, तेरा अनकंडीशनल राइट है, जब मर्जी आके पैसे ले, कोर्ट में जाके कह मैंने पैसे लेने हैं, जो मर्जी कहे, जब मर्जी तेरा दिल चाह पैसे लेने, यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी एनी टाइम। सर चीजें तो आने में डिले है, अभी चीजें थोड़ी देर से बाद आएंगी। और चाचा जा यार, तुझे पता नहीं मैं कितने अमीर खानदान से ताल्लुक रखता हूं, यू हैव द राइट टू रिसीव मनी एनी टाइम, जब मर्जी तो बंदा भेजी पैसे ले ली, तेरा राइट टू रिसीव मनी एनी टाइम है। आगे फिर होंडा वाले हया कर लें बंदा बाद में भेजे पैसे लेने या चीज़ें देके पैसे ले, वो होंडा की अपनी मर्जी है, उसे टर्म्स अच्छी करने के लिए कुछ कुछ भी सोच सकते हैं कि पैसे कब लेने, लेकिन वो क्या कह के चला गया है, कस्टमर यू हैव द राइट टू रिसीव मनी एनी टाइम, आपके पास कभी भी पैसे लेने का हक है, एंड आई एम नॉट अटैचिंग एनी कंडीशन, देयर फॉर कस्टमर सेड यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी एनी टाइम। डन, पढ़े। राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश्ड ऑन ये कम मार्च, किसका और किसका माहिदा हो रहा है, होंडा का और बिलावल का। क्या माहिदा हो रहा है कि होंडा ने बिलावल को गाड़ी बेचनी है, बिलावल से पूछा पैसे, उसने कहा जब मर्जी पैसे ले लो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी लिए नहीं हमने पैसे, देखते हैं पैसे कब लिए। राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश्ड ऑन ये कम मार्च ए टाइम ऑफ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कैंसिलेबल अगर हो तो क्या होगा, इंशाल्लाह कल मैंने डिस्कस करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त हो रहा था उस वक्त बिलावल से ये तय पा गया, भाईजान बिलावल तेरी मेहरबानी, पैसे का क्या करना है, कहते जब मर्जी ले लें, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, रिजल्ट आना है या ना, ये होना है वो होना, छोड़ यार क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, छोड़ छोड़ यार, पता नहीं ये कौन लोग बातें करते हैं, पैसा ही बढ़ा है, तो यार जब मर्जी आके पैसे ले लें। डन, ऐसे कस्टमर होते हैं दुनिया में कि मुंह मांगी कीमत दे दें और ऐसी बातें कर दें कि सेलर भी खुश हो जाए। आगे, गुड्स ऑफ ₹60 आर डिलीवर्ड ऑन 15 दिन में, हमने फिर हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बंदे, 15 माह में जल्दी जल्दी उसको इंपोर्ट करके गाड़ी मंगवा के दी और गाड़ी उसको 15 माह को डिलीवर कर दी, और फिर कुछ दिनों बाद हमने 2-3 दिन बाद गए, हमने कहा यार वो पैसे आपने कहे थे पैसे दे दें। तो भाई ये जो स्टैंडर्ड है ना, नया पुराना स्टैंडर्ड कहता था पहली चीज़ में ना, पहली जो बात है यकम मार्च, ना चीज़ें जा रही हैं ना पैसे आ रहे हैं, पुराना स्टैंडर्ड कहता था इसकी कोई एंट्री नहीं है, लेकिन नए स्टैंडर्ड ने ना इसकी भी एंट्री बना दी है, पुराने स्टैंडर्ड में एंट्री नहीं थी। हालांकि देखें चीज़ें कब डिलीवर हो रही हैं, आंखों से बातें कर रहा हूँ आपकी, गाड़ी कब डिलीवर की बिलावल को, 15 मार्च को, और बिलावल ने पैसे कब दिए, तो चीज़ें डिलीवर हुई 15 मार्च को और पैसे आए, आप बता दें ये दोनों चीज़ों में से कोई यकम मार्च को चीज़ ही नहीं हुई, ना यकम मार्च को चीज़ें डिलीवर हुई ना, लेकिन क्या यकम मार्च को ये हम कह सकते थे, दिल की आवाज़ थी या जबान पे थी कि पैसे दे देना, पैसे दे देना, वो कह रहा था दे दूंगा दे दूंगा, अब तो मांगने का राइट एस्टेब्लिश है हमारा, तो बता दें यकम मार्च को रिसीवेबल बुक करूं या कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डेबिट की बात कर रहा हूं, रिसीवेबल बुक करूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट, क्यों, राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड, राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश्ड, उसने कोई शर्त लगाई है, कोई शर्त, तो मेरा राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो गया, किस दिन जी, यकम मार्च को, क्या डेबिट क्या करूं, क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं डेबिट हो सकता, आई हैव द राइट टू रिसीव मनी, डेबिट डेबिट क्रेडिट में पूछ नहीं रहा, डेबिट बोले क्या करूं, रिसीवेबल या डेटर, ये डेटर की जगह बार बार, क्योंकि स्टैंडर्ड ने डेटर की जगह कौन सा लफ्ज यूज किया, रिसीवेबल, अच्छा जी रिसीवेबल डेबिट, सेल तो नहीं क्रेडिट हो सकती, गाड़ी डिलीवर हुई, सेल कब क्रेडिट होती है, जब गुड्स डिलीवर हो, तो ये तो डिलीवर हुई नहीं, आप बता दें क्या कंधों पे बोझ महसूस करूं, नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी का बोझ महसूस करूं कंधों पे, एक कंधों पे बोझ महसूस करने लग जाऊं, जब अगला बंदा इतने मान से कह के चला गया जब मर्जी पैसे ले लेना, तो अब जब नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट करके मैं फंस गया हूं, तो किसके लिए लायबल फील करूं, क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं ये लायबिलिटी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस दिन कैसे फंस गया, नॉन कैंसलेबल लिख के, तो क्या मैं यकम मार्च को लाइबल फील करूं अपने आप को, लाइबल फील करूं और डेटर भी बुक कर लूं, डेटर क्यों बुक करूं, क्योंकि कोई शर्त नहीं लगी हुई, तो डेबिट साइड मैंने आपको अलग से समझाई, क्रेडिट साइड समझाने के लिए मैंने आपको नॉन कैंसलेबल के लफ्ज़ पे ज़्यादा फोकस करवाया, डेबिट साइड समझाने के लिए मैंने फोकस करवाया राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड, और दूसरा मुझे बता दें यकम मार्च को अगर होंडा के साइन हो गए कॉन्ट्रैक्ट पे, तो होंडा लाइबल हो गया, किस चीज़ के लिए लाइबल हो गया, टू डिलीवर द गुड्स, अब इस लाइबिलिटी को सेल में डालूं या फिलहाल लाइबिलिटी रखूं, लाइबिलिटी रखें, क्या जी,
कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितने से? 60 से. अच्छा मजे की बात सुने, जब मर्जी गाड़ी आए जब मर्जी पैसे आए. इधर देखें, जब पैसे आ जाएंगे तो रिसीवेबल खत्म कर दीजिएगा, जब गाड़ी दे दें तो लाइबिलिटी खत्म कर दीजिएगा, अब आगे कुछ भी नहीं रह गया. तो उंगली रख के रिसीवेबल बोले, जब पैसे आ जाएंगे तो रिसीवेबल खत्म कर दीजिएगा, और जब गाड़ी डिलीवर कर देंगे आगे तो कुछ भी नहीं रह गया. तो क्या जी, अब पहले क्या हुआ, गाड़ी आई है, पैसे, गाड़ी डिलीवर कर दी हमने, तो क्या खत्म करें, गाड़ी डिलीवर कर दें तो लाइबिलिटी खत्म कर लें, पैसे आ जाएं तो रिसीवेबल खत्म कर दें. डेट बताएं, 15 मार्च. बोलें जी, गाड़ी डिलीवर कर दी इसलिए लाइबिलिटी खत्म कर दें, और जिस दिन पैसे आए उस दिन डेटर खत्म कर दें. डेटर खत्म कर दें, पैसे दे क्या, डेटर डेटर को खत्म कर दें, डेटर क्रेडिट तलवार से बुक्स में खत्म कर दें. डेटर कैश डेबिट डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट कितना. और मोहतरम इस सवाल में ना कॉन्ट्रैक्ट एसेट इसलिए नहीं आया था क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं थी, कोई कंडीशन ही नहीं थी. यकम मार्च को नरेशन बता दें, राइट एस्टेब्लिश्ड ऑफ मनी एंड लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, टू डिलीवर गुड्स, राइट एस्टेब्लिश हो गया और लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स. अच्छा जी, अब आप जरा मुझे ये वाली जगह ना आपने फिल करवानी है, ये चार चीजें आपके जहन में जाके बैठ जाएं, ये वाली जगह फिल करवा दें जी. अच्छा सिर्फ ना आपने मुझे यकम यकम की चीजें बतानी है, बस यकम यकम को क्या करना है, बाद की बात छोड़ें. एक दफा जब पहली एंट्री हो जाए तो अगली एंट्रीज भी बाय डिफॉल्ट होती चली जाती हैं, बाकी एंट्रीज की टेंशन नहीं होती. सिर्फ यकम यकम को क्या करना है, पैसे आ गए हैं चीजें बाद में बेचनी है, तो पैसे आ गए हैं तो क्या बढ़ा लें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं कैश तो आप कर ही लोगे पेपर में इंशाल्लाह, वो गलती नहीं होगी. पैसे आ गए हैं लेकिन चीजें बाद में डिलीवर होनी है तो क्या फील करें अपने आप को, लायबल. गुड्स ऑफ 120 आर सोल्ड ऑन यकम जनवरी विद नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी, क्या कह सकता हूं, अनकंडीशनल सेल, अनकंडीशनल सेल. तो इसका मतलब है सेल मैंने कर दी, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी. डेटर डेबिट करूं कॉन्ट्रैक्ट एसेट, डेटर डेबिट करूं, रिसीवेबल बुक कर लूं, ये दूसरे सिनेरियो को टैकल करने का तरीका हो गया. तीसरा, चीजें डिलीवर कर दी लेकिन कंडीशन ये है कि आप फिलहाल पैसे नहीं मांग सकते, तो क्या करूं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को बढ़ा लूं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को बढ़ा लूं. बस पहली एंट्री की एक साइड में समझा रहा हूं सिर्फ, और इधर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हुआ जी, पैसे लेने का हक बन गया, पैसे लेने का हक बन गया, कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल होने की वजह से इससे फिर नहीं सकते, तो जब कॉन्ट्रैक्ट से फिर नहीं सकते तो लायबिलिटी भी बढ़ा लें, तो एंट्री क्या बनी, रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, दोनों चीजें बढ़ गई. ये पहली एंट्री समझाई है या दूसरी तीसरी भी, पहली. अगली चीजें तो आप खुद ही टैकल कर लेंगे. तो बता दें जी अब क्या रूल बना, अगर पैसे पहले आ जाएं, सुनो अब ये सारा नगमा सुन लो, अगर पैसे पहले आ जाएं तो लायबिलिटी बुक कर लें, अगर चीजें डिलीवर कर दें और कुछ ना कहें बस डिलीवर कर दें चीजें तो डेटर बुक कर लें, वो जो इंट्रो की क्लास में करते थे, अगर चीजें डिलीवर करते हुए कोई शर्त लगा दें कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर लें, और अगर चीजें भी डिलीवर ना करें पैसे भी ना आए लेकिन पैसे मांगने का हक बन जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो नॉन कैंसलेबल, कॉन्ट्रैक्ट हो नॉन कैंसलेबल, तो इसका मतलब है अब हमें मजबूर होंगे गाड़ी डिलीवर करने पे, तो क्या बुक करें पहले, रिसीवेबल, क्योंकि पैसे मांगने का हक है, और साथ ही बुक क्या करें, लायबिलिटी बुक. यार वो ऐसे ही एग्जांपल्स लिखते हुए ना बंदा कई दफा
किसी और तरफ निकल जाता है, तो इसको ना इस पर एक अलग से बहस हो सकती है। इसमें IFRS 15 में कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल से हमारे सिलेबस में नहीं है, इस पर कोई बंदा डीप सोचे तो अलग बहस हो सकती है। इसको कर देते हैं ओनली आफ्टर रिजल्ट, क्योंकि ये ना कुछ मेरे दिल में आ रहा है कुछ गलत मानी दे देगा, लेकिन वो क्या गलत मानी दे रहा था उस बहस में मैं इस वक्त नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि जितने पास पेपर में टेस्टिंग हुई है फिलहाल उस लेवल पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। किसी दिन याद करवा दीजिएगा 2-4-10 दिन बाद, अगर आपके दिल में आया कि सर आपने इसको काट के ये क्यों किया था, तो ठीक है ये बात फिलहाल लिख लें। Rise has taught this syllabus and student, मैं नोट्स तो सही अपलोड करूंगा, Rise has taught this syllabus and student will pay only after result. तो आप बता दें पैसे किस पे डिपेंडेंट हैं? रिजल्ट आने पे। तो डेटर बुक करें या कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करें? कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करें। तो जैसे रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह कस्टमर क्या ले आएगा? पैसे ले आएगा। डन। चलें जी जबानी जबानी जल्दी जल्दी, अगर पैसे पहले आ जाएं तो लाइबिलिटी बुक करें, चीज़ें पहले दे दें तो डेटर बुक करें, चीज़ें बुक करते हुए शर्त लगा दें तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करें। एक अजीब सा सिनेरियो पेपर में आ सकता है, ना चीज़ें बेची ना पैसे आए, ना चीज़ें बेची ना पैसे आए, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करें? अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल है और राइट टू रिसीव मनी भी एस्टेब्लिश हो रहा है तो डेटर भी डेबिट कर दें और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी क्रेडिट में। चलिए शुरू करें जी, पास पेपर का क्वेश्चन 7 निकालें। पास पेपर का क्वेश्चन 7, तस्वीर खींच लें इसकी और फिर मैं इसको करूं मिटा दूं। वैसे तो नोट्स में ये सारा दिया हुआ है, लेकिन नोट्स में ये नहीं लिखा हुआ जो डब्बा बना हुआ है, जो मेन कॉन्सेप्चुअल बात है। इसकी हेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन, कि बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा, लाइबिलिटी नजर आएगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नजर आएगा। अच्छा यार कोई टॉपिक ऐसा बताएं जिसमें हम डेट्स की डेट्स लिख लिया करते थे और की डेट्स को होने वाले इवेंट्स लिख लिया करते थे फिर सवाल शुरू करते थे। IS-38 रिसर्च और डेवलपमेंट, और जिस दिन लॉन्च हो रहा था उसकी की डेट्स लिख लिया करते थे और की डेट्स लिख के उसके सामने क्या हुआ उन डेट्स को वो लिख लिया करते थे, उसके बाद सवाल शुरू करते थे। तो IFRS 015 किधर आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहे ना करिया। क्वेश्चन 7 वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा यार इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैंने होमवर्क में भी सरासियों के नाम से ही डाला है। चिनियोट देख वाला फिरोजपुर रोड पे, चिनियोट देख वाला, उसने सरासिफ को एक ऑफर की, सरासिफ अगर एक साल में आप मेरे से 2000 बिरयानी के डब्बे ले लेते हैं, एक साल में आप मेरे से 2000 बिरयानी के डब्बे ले लेते हैं। वैसे तो बिरयानी का डब्बा मिलता है मिसाल के तौर पे 300 रुपये का, वैसे तो बिरयानी का अच्छा बड़ा वाला डब्बा मिलता है, मटन वाली 300 रुपये का डब्बा मिलता है, लेकिन अगर आप मेरे से, प्राइस कितनी है बिरयानी की? 300। वो ये कहता है कि अगर आप मेरे से 2000 की ना लिमिट सेट कर लेते हैं, अगर आपने मेरे से पूरे साल में 2000 से कम बिरयानियां खरीदी तो एक बिरयानी मैं आपको बेचूंगा 300 की, अगर आपने मेरे से 2000 से ज्यादा बिरयानियां खरीद ली तो मैं रिट्रोस्पेक्टिवली यानी जो पुरानी बिरयानी बिकी है आपको उनका भी प्राइस आपके लिए क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। अब कस्टमर 2000 बिरयानियों का ऑर्डर इकट्ठा करेगा या आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर करेगा? अब सेलर जो है, सेलर स्टूडेंट से आके राय लेगा, यार क्या ख्याल है इतनी बिरयानियां ऑर्डर कर देंगे सर आपसे पूरे साल में? अब सेलर आके ना मशवरा एक्सपीरियंस से सोचेगा कि क्या ये इतने ऑर्डर कर देंगे या नहीं कर देंगे। अब इसमें दो सूरतें बनती हैं, अगर सर आसिफ ने 2000 से ज़्यादा ख़रीद ली तो बिरयानी 260 की बेचेगा दुकानदार, और अगर 2000 से कम खरीदी तो वो बिरयानी कितने की बेचेगा?
300 की, और अगर 2000 से ज्यादा खरीद ली तो उससे पुरानी अगर 300 के बिक भी गई हुई तो रिट्रोस्पेक्टिवली यानी बैक पे जाके उनकी प्राइस क्या कर दी जाएगी, 260 कर दी जाएगी। अब अगर सेलर एस्टीमेट लगाए, अगर सेलर एस्टीमेट लगाए कि सर आसिफ ने 2000 से ऊपर की बिरयानियां नहीं ऑर्डर करनी, अगर ये एस्टीमेट लगाए और पहला ऑर्डर आए 600 डब्बे भेज दो, और दुकानदार ने सोचा भाई इन्होंने 600 अभी मांगे हैं, 600-700 और मांग लेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो सर आसिफ ने ऑर्डर किया 600 डब्बे भेज दो, इसने सोचा हुआ है कि सर आसिफ ने 2000 से ऊपर डब्बे नहीं लेके जाने, तो बता दें सेल किस पे बुक करे, 300 पे, क्योंकि ये सोच रहा है कि इसने डिस्काउंट वाली ऑफर अवेल नहीं करनी। डन। अच्छा, अगर इसका तजर्बा यह हो कि सर आसिफ 2000 से ऊपर डब्बे ऑर्डर कर देंगे और सर आसिफ ने पहला ऑर्डर 600 डब्बों का भेजा, तो क्या ऐसी सूरत के अंदर ये रेवेन्यू बुक 300 पे करे या इसका अंदाजा है उन्होंने क्रॉस कर जाना लिमिट, तो फिर शुरू से रेवेन्यू 260 पे ही बुक करे। यही स्टैंडर्ड की थीम है और यही हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये एक बीच में कॉन्सेप्ट ऐसी बीच में डाले, तो ये दो कॉन्सेप्ट जब हम इकट्ठे होंगे तो ये सवाल बनेगा। दो कॉन्सेप्ट कौन से? एक तो जो चार चीजें यहां पढ़ी हमने और ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट इधर पढ़ा। थर्स्टे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी। थर्स्टे एंटरप्राइज ये कौन सी प्रोडक्ट बेच रही है? जी। एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें मैं पहले पार्ट बी आपको करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको पार्ट ए करवाऊंगा। जर्नल एंट्रीज करनी है और सवाल में लिखा हुआ है डेट्स के बगैर जर्नल एंट्रीज के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए जो हमने जो एग्जांपल्स की थी इसमें भी डेट साथ लिखी थी। पॉइंट बी, ऑन 1 फरवरी 2019 टीई एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर। अनदर कस्टमर ना ऊपर भी कोई होगा एक, विद अनदर कस्टमर बेटा, बीटा, कस्टमर का नाम बीटा है, फॉर सेल ऑफ जी, प्रोडक्ट का नाम जी है, तो ये कस्टमर है और ये बिरयानी है, ये सर आसिफ है, ये चिन्योट देग वाला है और ये बिरयानी है। ऑन 1 फरवरी सेलर एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर सेल ऑफ बिरयानी फॉर 250 पर यूनिट। भाईजान बिरयानी का एक डब्बा आपको 250 का लगा के देंगे अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर सर आसिफ ने 15,000 से ऊपर डब्बे खरीद लिए तो द प्राइस पर डब्बा विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215 पर यूनिट। तो बता दें जी, अगर हम कम डब्बे खरीदें तो क्या प्राइस है, अगर हम ज्यादा डब्बे खरीदें थ्रेशोल्ड के, थ्रेशोल्ड मतलब द लिमिट बॉर्डर, बॉर्डर के 15,000 से कम खरीदें तो 250 का डब्बा मिलेगा, 15,000 से ऊपर खरीदें तो 215 का डब्बा मिलेगा। टी इज अनकंडीशनल राइट, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, शुक्र है सवाल में डेटर होंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। टी इज अनकंडीशनल राइट वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बीटा। पूरी बात पढ़ के पता चलेगा ये डेटर है या नहीं। टी इज अनकंडीशनल राइट यानी कोई कंडीशन नहीं लगी होगी। टी इज राइट टू रिसीव वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बीटा। राइट टू रिसीव मनी कब एस्टेब्लिश होगा? जब डिलीवर होगी। गौर से, राइट टू रिसीव मनी कब एस्टेब्लिश होगा? जब डिलीवर होगी। ये एक लाइन समझ आ गई। अच्छा जी, अच्छा शुरू में हमने सोचा क्या कि सर आसिफ 15,000 यूनिट खरीद लेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीद लेंगे तो पहले दिन से ही सेल किस पे बुक करें? पहले दिन से ही सेल किस पे बुक करें, क्योंकि हमने सोचा है कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा, तो पहले दिन से ही सेल किस पे बुक करें? डन जी। बीटा प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर्स। सर आसिफ ने ये ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। भाईजान मैं पहला ऑर्डर देख रहा हूँ, दूसरे ऑर्डर की फारिग करें, पहले मैं पहला ऑर्डर देख रहा हूँ। पहला ऑर्डर जी कितने यूनिट्स का किया है? किस दिन? 14 फरवरी। कस्टमर ने किस दिन डब्बे बेचे? 28 फरवरी को। सर आसिफ ने पैसे किस दिन दिए? 20 मार्च को। ओके भाई, ये 28 फरवरी के साथ मैं एक और चीज़ लिखने लगाऊं जो सवाल में यहाँ लिखी हुई थी। राइट टू रिसीव मनी वुड बी एस्टेब्लिश अपॉन डिलीवरी, तो इसके साथ मैं एक और चीज़ लिखने लगाऊं। 28 फरवरी के साथ एक एक चीज़ क्या है? डिलीवरी। और दूसरी चीज़ क्या है?
राइट टू रिसीव मनी, ये राइट अनकंडीशनल है। राइट टू रिसीव मनी होता ही वो है जो अनकंडीशनल है। डन जी। अब मुझे बता दें, मैं 28 फरवरी की डेट डालकर अपनी वर्किंग्स में, रफ वर्किंग्स में क्या लिखूं? अपनी नहीं नहीं वर्किंग्स में मैं क्या लिखूं? 28 फरवरी को दो चीज़ें हो रही हैं, राइट एस्टेब्लिश हो रहा है, राइट टू रिसीव मनी, और इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है। तो ये राइट कौन सा है? अनकंडीशनल, यानी डेटर वाला या कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाला? डेटर वाला। और 28 फरवरी को दूसरा इवेंट हो रहा है, चीजें डिलीवर हो रही हैं। डन जी। 28 फरवरी को राइट टू रिसीव भी एस्टेब्लिश हो रहा है और चीजें भी डिलीवर हो रही हैं। और ऑर्डर डेट का मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं करना ऑर्डर डेट को। ऑर्डर डेट को क्या होता है? कुछ भी नहीं होता ऑर्डर डेट को। तो ऑर्डर डेट का मैंने क्या करना है? और कॉन्ट्रैक्ट डेट का मैंने क्या करना है? मुझे तो कुछ कोई इससे फर्क नहीं है। यकम फरवरी को सलासिफ ने माहिदा किया, भाईजान मुझे बिरयानियां मंगवानी पड़ सकती हैं। यकम फरवरी को माहिदा किया, भाई नया सेशन शुरू होने वाला है, मुझे बिरयानियां मंगवानी पड़ सकती हैं। यकम फरवरी को माहिदा किया। 14 फरवरी को सलासिफ ने कहा, भाईजान बिरयानी भेजनी है आपने 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्लास है, 28 फरवरी को आपने बिरयानी भेजनी है। उसने 28 फरवरी को बिरयानी भेज दी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था इसी दिन उसका पैसे लेने का हक हासिल हो जाएगा। तो बता दें, पहले हक हासिल हुआ पैसे लेने का या राइट उसी दिन? राइट उसी दिन। किस दिन? ऑर्डर जिस दिन प्लेस किया या जिस दिन डिलीवरी हुई? जिस दिन डिलीवरी हुई। डन। तो अब मुझे बता दें, 28 फरवरी की डेट को मेरा राइट भी एस्टेब्लिश हो रहा है और 28 फरवरी की डेट को चीजें भी, और पैसे कब आ रहे हैं? 20 मार्च को। 20 मार्च को क्या हुआ जी? कैश रिसीव हुआ। हाँ जी भाईजान, अब इधर देख के बता दें, जिस दिन बिरयानी डिलीवर हो जाए और पैसे मांगने का हक बढ़ जाए, उस दिन क्या एंट्री होनी चाहिए? डेटर डेबिट। और दो डेट्स का मतलब ये नहीं दो एंट्रीज को। तो जिस दिन पैसे लेने का हक बन जाए और, यार तू क्या कर रहा है, इधर देखना, जिस दिन पैसे लेने का हक बन जाए और चीजें भी डिलीवर हो जाए, तो क्या एंट्री करें? डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। और जब पैसे आ जाए, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। डन। इतनी सी एंट्रीज करें फिर आगे चलते हैं। ये हमारा कौन सा सवाल है? 7 का बी कर रहे हैं जी भाईजान। यकम 28 फरवरी, निरेशन तो उसने मांगी नहीं। 28 फरवरी 2019 निरेशन तो उसने मांगी नहीं, लेकिन निरेशन मैं लिख देता हूं, गुड्स डिलीवर्ड एंड अनकंडीशनल राइट, अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश्ड। चीजें डिलीवर हो गई और पैसे लेने का हक भी बन गया। ये तो सिंपल एंट्री बन गई इंट्रो की क्लास वाली। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। हाँ भाईजन, मेरा क्या अंदाजा है? ओ सरासिफ जो मर्जी सोचे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्या अंदाजा है कि मेरा कस्टमर 15,000 से ऊपर की चीजें खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तो आज पहला ऑर्डर में अभी 15,000 की खरीदी तो नहीं, लेकिन सोचा तो हुआ है ना 15 की खरीद लेगा। अभी तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, यकम फरवरी को हुआ है, फरवरी 14 फरवरी को उसने ऑर्डर भेजा है पहला। अभी तो 6 महीने, 5.5 महीने पड़े हैं, और भी ऑर्डर आएंगे इंशाल्लाह। तो बता दें, मैं सेल शुरू से ही एहतियातन किस पे बुक करूं? डिस्काउंटेड प्राइस पे जी। सेल बताएं कितने पे बुक? 215। क्वांटिटी बताएं, क्वांटिटी 10,000 x 215। सर आसिफ को बिल कितने का भेजूंगा? उसको पूरे अमाउंट से भेजूंगा, उसको नहीं, उनको। सर आसिफ को बिल कितने का भेजूंगा? भाईजान सर आसिफ को भी पता है और हमें भी पता है कि फिलहाल 10,000 बिकी हैं, और सर आसिफ को हमने कहा था अगर 10,000 से ऊपर बिक गई तो पुरानी चीजें भी आपको जो है वो सस्ती कर देंगे, वो टेंशन ना लें आप। लेकिन मुझे बता दें, अभी तो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि अभी तक हमने डिलीवर कितनी चीजें की हैं? तो
कस्टमर को भी पता है कि मैं अभी डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकता। सेलर सोच के बैठा हुआ ये डिस्काउंट ले लेगा, लेकिन कस्टमर को याद रखिएगा जो बिल आएगा वो बिल कितनी बिरयानी का आएगा, वो 250 के एतबार से आएगा या 215 के, क्योंकि क्या कस्टमर उस लिमिट पे पहुंच गया है कि कस्टमर को जो है डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए। लेकिन हमारा अंदाजा तो है ना डिस्काउंट दे देंगे, तो सेल किस पे बुक करेंगे? 215 पे। लेकिन अभी तक कस्टमर उस लिमिट पे नहीं पहुंचा, तो मुंह से फिलहाल कितना मांगेंगे? फिलहाल कोर्ट में जाके भी मांग सकते हैं पूरा 250, क्योंकि अभी तक उसने अपनी लिमिट को रीच नहीं किया। जी डेटर कितने से डेबिट करें? पहले क्वांटिटी लिखा करें, 10,000 इंटू 250। अच्छा सबर सबर सबर, अमाउंट्स बता दें। 2.5 लाख, 2.5 लाख या 25,000? 2.5 लाख। और ये 2,15,000, 25 लाख है, तो रुपीज इन 1,000 कर लें फिर, 2,500, 2,1। जी भाईजान क्या करें, लाइबिलिटी टू रिफंड द अमाउंट। सेलर भाईजान आपके ऊपर लाइबिलिटी है डिस्काउंट देने की, सरासरी को बेशक ना बताएं ये बात, लेकिन आप तो बोझ महसूस करें ना, आपको शोर है पास तजर्बे की बुनियाद पे कि इंशाल्लाह ऐसे लोग तो इतनी चीजें ले ही जाते हैं, तो अब आप कस्टमर की तरफ अपने आप को क्या फील करें? इस लाइबिलिटी की नेचर क्या है? लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट इन फ्यूचर या टू रिफंड मनी इन फ्यूचर। रिट्रोस्पेक्टिवली जब डब्बे का ऑर्डर ज्यादा आ जाएगा तो पुरानी सेल को आपको जो है वो उसके पैसे कम मांगेंगे ना फिर आप, तो आप बता दें जी मैं क्या करूं, मैं लाइबल फील करूं कस्टमर को क्या देने का? रिसीवेबल तो अभी उससे बुक कर लिया है, हाँ तो बैलेंसिंग एंट्री ऑब्वियसली उससे होगी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बैलेंसिंग, या ऐसे भी कर सकते हैं 10,000 × 35, 10,000 चीज़ों के 35 मुझे डिस्काउंट देने पड़ेगा फ्यूचर में जब वो ऑर्डर एक्सीड करेगा 350। रिफंड लाइबिलिटी लिख दो, कोई मसला नहीं, आ जाए भी इधर इधर। 2,850 रुपये एंट्री होगी भाईजान, 20 मार्च को पैसे आ गए हैं, अभी अगला ऑर्डर शॉर्डर कोई नहीं आया, 20 मार्च को पैसे आ गए हैं, और सर आसिफ को पता है कि भाईजान मैंने अभी ज़्यादा डब्बे ऑर्डर नहीं किए हुए, और दुकानदार मेरी जान ले लेगा, दुकानदार मेरे से 250 रुपये लेगा, दुकानदार मेरे से 215 नहीं लेगा, डन। आप बता दें क्या डेट डलेगी? 20 मार्च। क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो मैंने कहा था पहली एंट्री सोचा करें, दूसरी तीसरी तो आप खुद ही वो निकलती रहती हैं अगली पिछली एंट्री से। जी कितना पैसे आएंगे? 250। अब दुकानदार के पास 2,500 मुझे पता है आ गया हुआ है, लेकिन दुकानदार लाइबल फील करे कि 350 इसको मुझे छोड़ने पड़ेंगे। छोटी सी बात आपसे कर दूं, अगर इधर देखें, अगर सवाल में लिखा होता है एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड्स दैट बीटा विल नॉट मीट द 15,000 यूनिट्स थ्रेशोल्ड, अगर ये हमारा अंदाज़ा लिखा होता कि वो तो इस यूनिट इतने ज़्यादा ऑर्डर वो कहाँ से करेगा, तो फिर पहले दिन से ही सेल भी किस पे बुक करते? अगर सेल भी 250 पे बुक करते फिर तो एंट्री पहले टैली कर जाती, फिर तो लाइबिलिटी की ज़रूरत ही, तो फिर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट के लिए एंट्री हो जाती। तो थोड़ा सा स्टार डाल के लिखना है तो लिख लें, शक स्टार डाल के 250 रुपये के साथ, अगर पहले दिन से ही अंदाज़ा होता कि 15,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदेगा, तो अगर पहले दिन से ही अंदाज़ा होता कि 15,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदेगा तो फिर सेल 250 पे ही बुक करते, अगर पहले दिन से ही अंदाज़ा होता कि 10,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदेगा, 15,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदेगा तो फिर सेल ही 250 पे बुक करते, 250 रुपये का डब्बा है ना, 215 का नहीं, 250 पे बुक करते। चलें जी आगे,
अगला ऑर्डर आ गया, अगला ऑर्डर आ गया। अगले ऑर्डर में बताएं जो हमारा अंदाजा था वो सही साबित हुआ गलत, जो हमारा अंदाजा था वो सही साबित हुआ गलत। हमने क्या सोचा था कि कितने यूनिट्स ले लेगा 15 से ज्यादा और कितने यूनिट ले गया, इसका मतलब है शुक्र है वो जो हमारा अंदाजा था उसी के मुताबिक बात चल रही है। अच्छा अब यार एग्रीमेंट कब हुआ था हमें क्या, ऑर्डर कब हुआ हमें क्या, ऑर्डर कब हुआ हमें क्या, हमारे सवाल में एक लाइन लिखी हुई है डिलीवरी की डेट को राइट टू मनी एस्टेब्लिश हो जाता है, ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश अपॉन डिलीवरी। तो चलें जी 15 जुलाई के बारे में वो दो बातें बता दें, ये मेरा ऑर्डर कौन सा था, ऑर्डर नंबर 1, और आप कौन सा है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर 1-2 से मुराद मैं पार्ट बी के अंदर ही इसे ऑर्डर नंबर 1 कह रहा हूँ, इसे ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूँ जी। इसमें बता दीजिए डिलीवरी कब है, 15 और उसी दिन राइट टू रिसीव मनी भी एस्टेब्लिश हो गया और चीजें डिलीवर भी होगी। अब देखें ये तो इंट्रो की क्लास वाली एंट्री, सिंपल चीजें डिलीवर हो गई और पैसे लेने का हक बन गया, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और कैश कब आया 18 जुलाई को, डन जी। अच्छा अब आप हजरात मुझे बताइएगा डेट क्या डालूं मैं, 15 जुलाई, 15 जुलाई को क्या हुआ, 8000 डब्बे पैक करके पिकअप में रवाना किए, 8000 डब्बे पैक करके पिकअप में रवाना किए, जो 8000 डब्बे पिकअप में पैक करके रवाना किए उन 8000 डब्बों का सेल भी 215 पे बुक करें, डेटर भी 215 पे बुक करें। पुरानी सेल की टेंशन ना लें, उसको मैं खुद ही सेट करा दूंगा, पुरानी सेल की भी टेंशन ना लें, अभी सिर्फ मुझे इस सेल को लेके चलने दें। कितने डब्बे भेजे 8000, और अब तो हमें भी कंफर्म ही है जो हमने सोचा था कि हमारी सेल तो 215 ही है, और अब सरासिफ को भी पता है कि उन्होंने पैसे 215 इन डब्बों के देने हैं, पुराने की बात बाद में करूंगा, 215 इन डब्बों के देने हैं। आप बोलें जो मैं सरासिफ को बिल भेजूं वो कितने डब्बों का, वो कितनी प्राइस वाला बिल भेजूं, 250 वाला बिल भेजूं 215 वाला, क्योंकि आप तो कस्टमर के जूते पहने सोचे, कस्टमर के जूते पहन के सोचे, उसको भी पता है मैं 15000 की लिमिट क्रॉस कर गया हूं, तो आई एम एंटाइटल्ड टू टेक बेनिफिट। तो आप बता दें डेटर भी किस पे बुक करूं और सेल भी किस पे बुक करूं, सेल किस लिए बुक करूं 215 पे, क्योंकि मेरा अंदाजा पहले भी यही था और मेरे अंदाजे के मुताबिक ही चल रहा है, तो इसलिए सेल 215 पे, और डेटर क्यों 215 पे बुक करूं, क्योंकि अब उसको भी पता चल गया है कि मैं लिमिट क्रॉस कर गया हूं, अब मैं उसको बिल बना के दे रहा हूं तो वो कहेगा भाईजान ये वाला बिल भी 215 पे करो, पिछले को मैं करता हूं डिस्कस, फिलहाल ये वाला बिल रिकॉर्ड करा दें, दोनों बिल मिक्स करके रिकॉर्ड ना कीजिएगा मसला हो जाएगा, पुराने वाले बिल में भी एक मसला निकल आया, अभी इस वाले बिल को मुझे टेंशन खत्म करवाएं। बोले 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 कितने डब्बे भेजे हैं 8000, इनके कितने पैसे सरासे से मांग सकते हैं 215, और सेल भी कितने की बुक करें 215, दोनों इसी पे 1700 जी भाई, डन जी। अच्छा आप मुझे बता दें कि मेरी जो एक लायबिलिटी नजर आ रही है उस लायबिलिटी को मैं रखूं या उस लायबिलिटी को मैं खत्म कर दूं, उस लायबिलिटी को रखूं या उस लायबिलिटी को खत्म कर दूं, मेरा ख्याल क्या था कि मुझे उससे 35, मेरा ख्याल क्या था मुझे उससे कितने 35 छोड़ने पड़ेंगे इस सेल के भी, और अब मुझे इस सेल के भी छोड़ने पड़ेंगे 35। अच्छा जी अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, क्या मैं ये एंट्री कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट
लायबिलिटी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। वो जब मुझे कहेगा कि तूने नए डब्बों का रिसीवेबल बुक कर लिया 215, तो ऐसा कर, अब असल में यार पैसे जा चुके हैं ना, वरना मैं पता क्या करता, उसे रिफंड कर देता पुराने डब्बों के पैसे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं लायबल फील कर रहा था कि मैंने उसे कितना डिस्काउंट देना है, मैंने उसे कितना डिस्काउंट देना है, 35 डब्बों का डिस्काउंट के लिए मैं लायबल फील कर रहा था। अब जैसे ही अगला ऑर्डर आया, मैंने कहा ये तो डिस्काउंट देना पड़ गया। अब वो पैसे देके जा चुका हुआ था, अगर पैसे ना देके गया होता तो मैं क्या करता, मैं कहता लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, जा भाई पैसे ले ले, खत्म हुई बात। लेकिन अब मैं कैश क्रेडिट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल में पेमेंट डेट्स अलग से दी हुई है, तो मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। मैं क्या कहूंगा कि यार मैं लायबल फील कर रहा था तेरी तरफ, मैं तेरी तरफ लायबल फील कर रहा था और तेरा रिसीवेबल था। अब वो कहेगा यार रिसीवेबल जो है ना, ये नए डब्बों का रिसीवेबल है, इसमें से पुराने डब्बों का रिसीवेबल भी कम या बढ़ा, कम कर दो, इसमें से भी पुराने डब्बों का रिसीवेबल कम कर दो। करवाएं जी पुराने डब्बों का रिसीवेबल कम 350। तो ये पुराने डब्बों का जो रिसीवेबल बुक किया हुआ था ना, ये जो नए डब्बों का रिसीवेबल बुक किया था, उसको अब नेट कर दिया गया है पुराने वाले से, उसी रेट को। जिस दिन ये नए डब्बों की सेल आपने बुक करनी है ना, उसी दिन पुराने वाले की एडजस्टमेंट कर लेनी है। क्या नहीं, नहीं नेट एंट्री ना, नेट एंट्री भी हो सकती है, करना चाहो कर सकते हो, कोई मसला नहीं। असल में ना यार कैश जो है ना, कैश हिट होने 18 जुलाई को, तो पेमेंट डेट फिक्स है, तो हम अपनी मर्जी से किसी डेट पे कैश डाल नहीं सकते, ये मजबूरी है थोड़ी सी। अच्छा अब सादा सी बात यार, जो पेपर में आपने याद रखनी है, जब भी होगी ना नया ऑर्डर, तो आपने पिछले ऑर्डर के बारे में जरूर सोचना है, ये बात आप कहीं लिख लें। जब भी नया ऑर्डर आएगा, जब भी नए ऑर्डर की एंट्री करनी है, जब भी नए ऑर्डर की एंट्री करनी है, एक दफा पिछले ऑर्डर के बारे में जरूर सोच लेना जब भी, क्योंकि ये एंट्री भूल सकते हैं आप, बाकी एंट्री इंशाल्लाह सही हो जाएंगी, ये एक एंट्री खुदा ना खासा रह भी कि आधा एक नंबर कट जाएगा। जब भी नया ऑर्डर आएगा, जब भी नए ऑर्डर की एंट्री करेंगे, जब भी नए ऑर्डर की एंट्री करेंगे तो नहीं नेट से ना करें, जब भी नया ऑर्डर की एंट्री करें तो पुराने ऑर्डर के बारे में सोचें, तो पुराने ऑर्डर के बारे में सोचें। अच्छा जी अब यार देखें, आपको नए डब्बों का रिसीवेबल बुक किए हुए शर्म आ रही थी, क्यों नए डब्बों का बुक किए हुए रिसीवेबल शर्म आ रही थी, आप उससे कह रहे थे नए डब्बों का रिसीवेबल बुक कर रहा हूं, वो कह रहा था चल नए डब्बों का रिसीवेबल तो तू बुक कर ले, वो तो 215 है तूने बुक करने, लेकिन पुराने डब्बों का रिसीवेबल भी तो तूने ज्यादा रिसीव किया हुआ था मेरे से, तो इसलिए नए डब्बों के रिसीवेबल में क्रेडिट कर दें ताकि नेट रिसीवेबल मेरा कम हो जाए। अब आप मुझे बता दें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट तो किताबों से फारग हो गया, कोई बता सकता है रिसीवेबल खड़ा कितना किताबों में? 1300। ये रिसीवेबल क्या है? ये नए डब्बों के पैसे रिसीवेबल हैं उससे, और पुराने डब्बों के नेट करके रिसीवेबल है। तो अब बता दें अगला बंदा कैश कितना देगा? अब अगली एंट्री कब करनी है? 18 जुलाई। 18 जुलाई को कस्टमर पैसे ले आया, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। जी हजरात मुझे बताएं रिसीवेबल खड़ा कितने पे था? 1720 पे। उल्टा कितने से दिया? बकाया कितने? 1370। तो 1370 वो हमें कैश दे जाएगा, सवाल खत्म। पॉइंट बी, नेट एंट्री इन दोनों की ये होगी कि आप सोचोगे 8000 वालों के 215 लेने हैं और पुराने कितने थे? 10000 वालों के 35 वापस करने हैं, तो रिसीवेबल नेट से बुक हो जाएगा। सेल आप वही रिकॉर्ड करोगे 1720 से, ठीक है, और वो जो लायबिलिटी थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, रिसीवेबल
बैलेंसिंग भी आ सकते हैं, इस तरह भी आ सकते हैं, छोड़ो। तो मैंने क्या कि नए की सेल अलग बुक करें, पुराने को सेट अलग से करें, वरना फिर दोनों को इकट्ठी ठुकाई लगा रहे होंगे तो कोई एक भाग सकता है बीच में से, मुश्किल हो जाएगा। डन जी, चलें छोड़ें, अगला सवाल करते हैं, रिविजन हो जाएगी। थर्सडे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट सी एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑन 1 अगस्त 2018 टी एंटर्ड इनटू अ 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट यकम अगस्त को हमने कस्टमर से मुआहदा किया है कि तू हमारे से चीजें खरीद ले जनवरी तक फॉर सेल ऑफ जी फॉर रुपीज 250 पर यूनिट। ये एक और टीचर हैं, मिसाल के तौर पे सर नवीद अंसारी। तो सर नवीद अंसारी के साथ ये मुआहदा हुआ है जी कि आप जो है वो 250 डब्बे जो है 250 का आपको हम डब्बा लगाएंगे अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। इफ अल्फा परचेजेस मोर देन 5000 यूनिट, अगर सर नवीद आपने 5000 से ऊपर डब्बे खरीद लिए तो फिर आपके लिए प्राइस कितनी कर देंगे हम? 215। तो वो व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज डिस्काउंटेड प्राइस? 215। आज बड़ी मजे की लाइन है। शुरू में हमने सोचा था कि इतने डब्बे नहीं बिकेंगे, शुरू में हमने क्या सोचा था जी, इतने डब्बे नहीं बिकेंगे। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड्स दैट अल्फा परचेजेस विल नॉट एक्सीड द 5000 यूनिट्स ऑफ थ्रेशहोल्ड। शुरू में हमारा अंदाजा था, अब रिवीजन हो जाएगी, पिछले में कुछ और अंदाजा था, इसमें कुछ और अंदाजा था। तो हमारा अंदाजा था कि जी भाई इतने डब्बे नहीं बिकेंगे, 5000 डब्बे टोटल नहीं हो सकते। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को भी काट दिया करें कि हुआ क्या फिर, वो हुआ फिर बाद में देखेंगे। ये तो अभी अंदाजा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें पहले तय हो रही हैं, ये 1 अगस्त की कहानी है भाईजान। ये सारी हमारी सोच है और ये हकीकत है और ये एहसास। अच्छा सॉरी, तो ये जो सोच पता है कहां से कहां तक है, ये सारी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है। ये किस दिन तय हुई होंगी? 1 अगस्त को खड़े होके ये सारी हमारी सोच थी, 1 अगस्त को खड़े होके ये सारी हमारी सोच थी। और हो सकता है हकीकत सोच पे पानी फेर दे, या हो सकता है हकीकत भी वही हो जो हमारी सोच हो। लेकिन हमारी सोच क्या है, हमने सोचा ये है कि एक बंदे को 5000 तक यूनिट अगर बेच दिए मैंने तो उसे 215 के बेचूंगा, लेकिन अगर 5000 से कम बेचे तो 250 के बेचूंगा, 5000 से ज़्यादा बेचे तो 215 के बेचूंगा। ये हमारी सोच थी। उस सोच में आगे मैंने ये सोचा कि मैं इनको 5000 मेरा नहीं ख्याल बेचूंगा, इतना बड़ा ये ऑर्डर प्लेस शायद ना करें। ये सोच के मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ कि अगले ने डिस्काउंट नहीं लेना तो मैं कोई लाइबिलिटीज डिस्काउंट की बुक नहीं करूँगा। अच्छा जी, डेट सब आपने मुझे लिखवानी है। ऑन 1 अगस्त सेंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद फलां फलां फलां। अच्छा, टी इज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव पैसे वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल पर अनकंडीशनल राइट है, तो क्वालिटी कंट्रोल से पहले कंडीशनल राइट है। क्वालिटी कंट्रोल पर कौन सा राइट आपका एस्टेब्लिश हो रहा है? अनकंडीशनल। तो फिर क्वालिटी कंट्रोल जब तक नहीं होगी तब तक भी पैसे मांगने का मुंह से हक नहीं है, दिल से आवाज आ सकती है, तब तक कंडीशनल राइट है आपका। टी इज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी वुड बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कहते हैं हम बोटी छोटी टांग शांग सारी ये चीजें चेक करेंगे, लेकिन उसके बाद द प्रोसीजर वुड टेक, अच्छा जी सॉरी, द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा। अब सवाल में ऑर्डर डेट भी रेलिवेंट है। कहते हैं इसके बाद जिगर हमारा क्या वादा है, जो तुझे पहला ऑर्डर में प्लेस करूंगा ना, पहले ऑर्डर में तूने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेरा कराना हुआ करा ली, लेकिन उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर होगा ना उसमें फिर मेरा तेरे से पैसे मांगने का हक
क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि जैसे ही ऑर्डर तू प्ले जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा ना चीजें डिलीवर हुई होंगी ना पैसे आए होंगे। ये पता नहीं कौन सा सिनेरियो बनने लगे, ये दूसरा वाला पता नहीं कौन सा सिनेरियो, ये जो दूसरी बुलेट है पता नहीं कौन सा सिनेरियो बनने वाला है। कहते जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही मेरा पैसे मांगने का हक बन जाएगा, जैसे ही ऑर्डर, पता नहीं ये कौन सा, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑर्डर पे तो ना पैसे आए होते हैं कस्टमर से ना चीज़ें डिलीवर हुई होती हैं, ऐसा ही है। आप घर बैठे पिज़्ज़ा हट को ऑर्डर करते हैं, भाईजान पिज़्ज़ा भेजो, ना उन्होंने भेजा होता है ना आपने पैसे दिए होते हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं अब कौन सा सिनेरियो बनेगा, पहले दूसरा तीसरा चौथा, चार सिनेरियो आज पड़े थे, पता नहीं ये कौन सा सिनेरियो बनेगा चौथा। बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉन्ट्रैक्ट को नॉन कैंसिलेबल अज्यूम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते ही नॉन कैंसिलेबल है। अच्छा जी, तो ये अब मज़े का सिनेरियो हो गया, पहले ऑर्डर्स की डेट आप मुझे लिखवाएंगे और दूसरे ऑर्डर्स की डेट मुझे लिखवाएंगे, लेकिन मुझे ये बता दें कि इधर इसमें एक एक ऑर्डर को अलग अलग लेके चलें, इसमें एक डेट मुझे ज़रा साइड पे लिखवा दें, क्वालिटी कंट्रोल वाली, क्वालिटी कंट्रोल 28 अगस्त को चीज़ें डिलीवर होनी है, तो मुझे बता दें 28 अगस्त को अगर चीज़ें डिलीवर होनी है तो क्वालिटी कंट्रोल कब होगा, 29, 30, 31, यकम, 2, 3, 4, 4 गिन लें, 5 गिन लें, बस जो जो मर्जी पेपर में आप गिन लीजिएगा, एक दो दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, 4 सितंबर 18। तो भाईजान किस वक्त क्वालिटी कंट्रोल होने, 4 सितंबर 18 को, डन जी। अब मुझे की डेट्स आपने लिखवानी है, की डेट्स, इसमें मैं ये डेट काटने लगाऊं, क्योंकि ये तो ऑर्डर की डेट नहीं है, ये तो एग्रीमेंट की डेट है, एग्रीमेंट यकम को होते हैं, ऑर्डर तो फिर बाद आहिस्ता आहिस्ता होते हैं ना, एग्रीमेंट की डेट फारिग करें। मुझे लग रहा है पहले सिनेरियो में ऑर्डर की डेट भी मैं फारिग कर दूं, ऑर्डर की डेट भी फारिग कर दूं, क्योंकि ऑर्डर के ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं है, वो तो सेकंड बुलेट में कोई बात लिखी हुई है ना। अब जो डेट्स रेलिवेंट बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, डिलीवरी कब है, 28 को, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 4 सितंबर को, कैश, ओ मोहतरम तरतीब लिखवा दें, तरतीब से नंबरिंग दिलवा दें, नंबरिंग 28 अगस्त, पहले क्या होंगी चीजें, बाद में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और उसके बाद जाके मैं पेमेंट करूंगा, तो डेट्स लिखवा दें। हाँ जी बाली, 28 अगस्त गुड्स डिलीवर, कंडीशन वाली अनकंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल ऑन व्हाट, राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल अपॉन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट आगे बोले, 4 सितंबर कंडीशन फुलफिल्ड, ना 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 क्वालिटी श्योरिटी फर्क करें, पेपर में देखा करना जो कंडीशन लगी है वो पूरी होगी या नहीं, बस क्वालिटी कंट्रोल भी हर दफा तो नहीं लफ्ज आएगा, जो भी कंडीशन थी, चाहे कैचअप की कंडीशन थी, चाहे रिजल्ट आने की कंडीशन थी, कंडीशन फुलफिल लफ्ज लिखा करना है, कंडीशन प्लेस्ड, कंडीशन फुलफिल्ड, कंडीशन फुलफिल हो गई जी। अच्छा जी, पैसे कब आए, 12 सितंबर कैश रिसीव। भैया अब ये तीन अलग अलग डेट्स हैं, कोई बंदा हाथ खड़ा करके मुझे बता दे पहली डेट पे मैं उंगली रखूंगा, दूसरी डेट पे मैं उंगली रखूंगा, तीसरी डेट पे मैं उंगली रखूंगा, और आपने मुझे एंट्री बतानी है। भाई जब चीज़ें बिक गई हैं लेकिन पैसे नहीं मांग सकता, मैं पैसे नहीं मांग सकता, दिल की आवाज़, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट, पैसे मांगने का हक आ गया मेरा, राइट टू रिसीव, इसका ना आप थोड़ी सी जरा अच्छी इंग्लिश लिखने लग जाए ना, अनकंडीशनल राइट बन गया मेरा, किसका, टू रिसीव मनी, कोई अब कंडीशन अल्लाह का शुक्र है नहीं रही, अनकंडीशनल गैर मशरूत राइट बन गया मेरा, कोई कंडीशन अटैच नहीं रही। बोले जी चीजें डिलीवर हुई, भाई ये 100% सिनेरियो 3 था, 100% सिनेरियो 3 था, चीजें डिलीवर हुई, एंट्री कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट, बिकॉज चीजें डिलीवर होगी सेल बुक कर लें, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा हुआ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के वक्त चीजें भी नहीं जा रही, पैसे भी नहीं आ रहे, तो ये तो कोई ऐसी एंट्री करें जिसमें ना कैश हो ना सेल, रिसीवेबल डेबिट मुंह से मांगना, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट,
और जिस वक्त पैसे आ जाएं कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। फड्डा एक और भी है, सेल किस पे बुक करनी है वो जरा मैं कोई और फड्डा एंट्रीज अलग, शुक्रिया आपने बता दी। फड्डा एक और भी है, सेल किस पे बुक करनी है, उसके लिए मुझे ग्रीन वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी। शुरू में हमारा अंदाजा है, अभी तो पहले ऑर्डर है ना, दूसरा ऑर्डर देखेंगे जब। शुरू में हमारा अंदाजा क्या था जी, वो कस्टमर थ्रेशोल्ड मीट, तो बता दे शुरू से सेल हम किस पे बुक करूं, 250 पे, और डिस्काउंट की लायबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट ए। अच्छा, इस तरह का ना एक और सवाल मैंने होमवर्क में भी डाला है, बिल्कुल इसी तरह का, तो ये आपने सवाल करने, आज कोई मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, बस इस तरह का एक और सवाल है। अच्छा जी बताएं जी, सिनेरियो नंबर ए, 28 अगस्त, तो दिल की आवाज होगी या कस्टमर के सामने भी खड़े होकर कहेंगे पैसे दे दो, दिल की आवाज बताएं, बोले बोले बोले, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल, भाईजन किस पे बुक करें, डिलीवरीज कितनी हो गई, 3000 डिलीवर तो होगी ना चीजें, 3000 अंदाजा बताएं क्या है, क्या सोचा कि थ्रेशोल्ड मीट नहीं करेगा तो सेल किस पे बुक करें, 750,000। अच्छा, और कस्टमर से कितने मांग, दिल में क्या सोचे कस्टमर से कितने मांगूंगा, कस्टमर को तो वही बताऊंगा ना, जब तक कस्टमर उस चीज को मीट नहीं कर लेगा, कस्टमर से तो उतनी मांगने हैं मैंने, तो कस्टमर से तो पूरे मांगने होते हैं, क्योंकि अभी पहला ऑर्डर आया, फ्यूचर का तो कस्टमर को भी पता नहीं कि क्या बनना है। जी बोले 750। अगली एंट्री जी, 4 सितंबर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा हो गया, अब मैं कस्टमर को कह सकता हूं कि तू मुझे पैसे दे दे, दे वो जब मर्जी, लेकिन ये कह सकता हूं तू मुझे पैसे दे दे। अब मैं जब वो मेरे पास से गुजरा करेगा तो दिल में सोचा करूंगा या जबान पे भी आ जाया करेगा, रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट September 12। कैश डेबिट, होमवर्क वाले सवाल में आपका टेस्ट होगा कि आपको चीजें ये समझ आई या नहीं, पहले ये वाला सवाल कीजिएगा फिर होमवर्क वाला, 750। और बल्कि अगले ऑर्डर में ही आपका टेस्ट हो जाएगा मुझे तो लग रहा है, अगला ऑर्डर ही आप खुद सॉल्व कर लें, अगले ऑर्डर में ही अंदाजा हो जाएगा आपको कि क्या बना है। यार आप डेट्स ना आप लिखें और अंग्रेजी आगे आप लिखें, ये जरा फिल कर लें, ये वाला डेटा फिल कर लें अगले ऑर्डर के लिए, डेट्स वाला, और आगे कुछ अंग्रेजी लिखें। यार ये पहला ऑर्डर तो मैं काट रहा हूं ना, इसको तो फर्क, हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ें जी, जैसे ही ऑर्डर आने क्या होगा, अनकंडीशनल राइट बन जाएगा पैसे लेने का, यानी डेटर बन जाएगा। अच्छा इधर देखें भाई, 25 दिसंबर के ऊपर क्या लिखूं मैं, ऑर्डर डेट फर्क करें, ऑर्डर डेट से मुझे नहीं करना कुछ, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्या बना जी, राइट टू रिसीव मनी हो गया मेरा, ये कोई बिलावल टाइप वाला केस है, चीजें चूजों की टेंशन नहीं है, पैसे लेने हैं जब मर्जी ले सकते हो, राइट टू रिसीव मनी। 15 जनवरी को वैसे तो लिखा ही हुआ है गुड्स डिलीवर हो गई, ओ वे पैसे डिलीवरी से भी पहले आ गए थे, पैसे डिलीवरी से भी पहले आ गए, तो ये क्या आया जी, कैश। अब आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप मुझे डेट्स की तरतीब लगानी आती है, किसी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को लेके आए, बेटा 25 दिसंबर पहले आती है, बेटा 10 जनवरी उसके बाद आती है, और बेटा 15 जनवरी उसके बाद आती है, जी अंकल, तो 25 दिसंबर
10 जनवरी और 15 जनवरी। सर कभी आप पेपर में बैठ के देखें फिर पता चलता है ये डेटें उधर नहीं समझ आ रही हो। हदों की यार, हमने क्या सड़क पे पापड़ बेच के सीखे किया, हम भी पेपर में ही बैठे होते थे। चलो बोलो, 25 दिसंबर को क्या हुआ है? ओ नाना यार, खुदा के लिए ये क्यों लिखवा रहे हो ऑर्डर हुआ है? ऑर्डर से मैंने कोई एंट्री नहीं करनी। जो मैंने आज 4 सवाल कराए हैं छोटे छोटे, उनकी वाली अंग्रेजियां मैं पूछवा रहा हूँ। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं होना इनका। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश्ड। डन जी, आगे बोलें। ऑन 10 जनवरी कैश रिसीव, गुड्स डिलीवर्ड। बाई डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है। अच्छा भाई, इधर देखें सारे। अब 4 सिनेरियोज में से आपने सोचना है कौन सा है। पैसे भी नहीं आए और चीजें भी डिलीवर। आप बता दें ये कौन सा सिनेरियो है? 4th सिनेरियो है। अब आप मुझे बता दें क्या डेबिट करूं? राइट टू रिसीव का मतलब डेटर, तो रिसीवेबल डेबिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स क्रेडिट। अगली बात मुझे बता दें, मैंने कहा था यार अब टेंशन ही ना लें, क्या पहले उन्हें, जब पैसे आए तो रिसीवेबल क्रेडिट कर दीजिएगा, पहले पैसे आगे रिसीवेबल क्रेडिट कर दीजिएगा, रिसीवेबल क्रेडिट कैश डेबिट, और जब चीज़ें डिलीवर की तो लाइबिलिटी ख़त्म कर दी। अब बार बार बोलें, ये एंट्री करने के बाद क्या सोच रहे हैं? जब पैसे आए तो रिसीवेबल क्रेडिट और कैश डेबिट, और जब चीज़ें डिलीवर की लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज तो आपको पता हैं, पैसे आगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और गुड्स डिलीवर होगी तो लाइबिलिटी डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट। बस पहली एंट्री करनी होती है, दूसरी फिर खुद ही समझ आ जाती है। एक एंट्री और होगी इस ऑर्डर के रिसीव, इस ऑर्डर की पहली एंट्री के साथ ही मैंने आपको बताया पुराने ऑर्डर की कोई एडजस्टमेंट आ सकती है। तो ये एंट्री है जो बच्चा भूल सकता है, भूल जाए कोई इतना मसला नहीं, अगली एंट्रीज के इसको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये वो एंट्री है नए ऑर्डर की पहली एंट्री, जो मैंने उर्दू में भी लिखवा दिया। नए ऑर्डर की पहली एंट्री आने पे आपने दूसरे ऑर्डर के बारे में सोचना जरूर है, सोचना जरूर है। चलें जी। ओ भाई कमिश्नर, वो ओ भाई कस्टमर, कस्टमर थ्रेशोल्ड मीट कर गया है। ओ यार, कस्टमर थ्रेशोल्ड मीट कर गया है। थर्सडे एंटरप्राइज, नाम देखें, थर्सडे एंटरप्राइज, थर्सडे एंटरप्राइज अपनी बीवी वेडनेसडे एंटरप्राइज को कहेगा। वेडनेसडे यार, अंदाजे भी तो गलत लानी है अल्लाह दी बंदी, अंदाजे तो सही ला लिया कर। क्या अंदाजा लगाया था? कि वो ऑर्डर मीट नहीं करेगा, लेकिन वो ऑर्डर मीट कर गया, थ्रेशोल्ड मीट कर गया। चलो वो थ्रेशोल्ड मीट कर गया। अब मुझे बता दें, मैंने कहा फिलहाल पुरानी सेल की टेंशन ना लें, नई सेल मैं किस पे बुक करूं, डिस्काउंट पे या 250 पे? तो पहले मुझे नई सेल बुक करवाएं, उसके बाद पुरानी सेल की अलग बात है, वो फिर बाद में आपसे मैं करूँगा। पहले नई सेल बुक करवाएं। सेल तो अभी बुक हो नहीं सकती, रिसीवेबल डेबिट नहीं, रिसीवेबल कितना बुक करूं अगले से? अब 250 या 215? क्योंकि अब तो वो थ्रेशोल्ड मीट कर गया। डेट बताएं, 25 दिसंबर रिसीवेबल कितना बुक करूं? 4000 यूनिट्स बेच दिए, इनके कितने लेने हैं? उसको जो मैं बिल भेजूंगा वो 215 के एतवार से बना के भेजूंगा। वाई वाई वाई, हाँ, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड मीट कर गया 860, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 860। अच्छा मुझे ये बताएं, पुरानी सेल 250 पे बुक हो गई भी है, और मैंने उसे एक ऑफर दी हुई थी के
बढ़ानी नहीं है यार सेल, पुरानी सेल 250 पे बुक हुई भी है और मैंने इसे एक ऑफर दी थी, किधर है रिट्रोस्पेक्टिवली लिखा हुआ, करीब आके होंगे। अच्छा, मैंने उसे एक ऑफर दी हुई थी कि तुम्हारी पुरानी सेल के प्राइस भी मैं कम कर दूंगा। अब बता दें रियलिटी में वो डिस्काउंट ऑफर अवेल कर चुके हैं या नहीं? कर चुके हैं। और जो हमारी थर्सडे एंटरप्राइज की बेगम थी जुबैदा, वेडनेसडे एंटरप्राइज, तो उसके मशवरे के मुताबिक तो हमने पूरी सेल बुक कर ली हुई थी। ठीक है, अब हम जुबैदा को क्या कहेंगे, बाजी नहीं, अब हम उसे कहेंगे कि तूने पूरी सेल बुक करा दी हुई है, वो कहेगी रिवर्स कर ले सेल। सेल क्या इसमें आए वाली क्या बात है, सेल रिवर्स कर लो किस दिन? ओ भाईजान, जब नए कॉन्ट्रैक्ट की पहली एंट्री होगी तो दूसरी एंट्री भूलनी नहीं पेपर में, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी सोचना है। ठीक है, अच्छा जी, सेल डेबिट करें, सेल कितने से सेल डेबिट, कितनी सेल ज्यादा बुक की हुई है, 250 के एतबार से हुई है, होनी कितने के एतबार से चाहिए थी, 215 के एतबार से, इंटू 35। भाई इधर देखना, उधर ना देख, जिस वक्त चीजें बेची थी क्या सोचा था कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा, तो सेल किस पे बुक कर दी थी, 250 पे। कस्टमर ने जब आके बड़ा ऑर्डर प्लेस किया तो अब नया ऑर्डर तो डिस्काउंट पे ही बुक करेंगे, पुराना ऑर्डर फुल सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब अपनी सेल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेल डेबिट 10। अच्छा यार, सेल 105, मेरी गाल सुन लिया करो, पहले फिगर बाद में सही कराएगा। अच्छा, सेल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें, उसे रिफंड कर दें पैसे, या फिर पेमेंट डेट सवाल में दी हुई है? पेमेंट डेट तो सवाल में दी हुई है ना, इसलिए पेमेंट डेट हम अपनी तरफ से कोई नहीं डाल सकते। सेल डेबिट करके असूली तौर पे उसे पैसे वापस करने चाहिए हमें पुरानी सेल के, असूली तौर पे। ये यहाँ याद रखिएगा, इस एंट्री में मैंने पहले भी एक नई एंट्री डाली थी, असूली तौर पे ना उसे पैसे हमें वापस करने चाहिए, लेकिन अब मजबूरी पता है हमारी क्या है, हम उसे पैसे वापस कर नहीं सकते, सवाल में पेमेंट्स डेट गिवन है। आप बता दें उसे पैसे वापस, तीन लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उसे पैसे वापस करें, उसकी तरफ लायबल फील करें, या उसका रिसीवेबल काम कर लें, जो आप पसंद करें। पैसे तो करें, काम ना करें, उसे पैसे वापस कर दें, उसे लायबिलिटी उसकी तरफ लायबल फील कर लें, या उससे रिसीवेबल काम कर लें, रिसीवेबल काम कर लें। तो मैंने शायद सोल्यूशन में लायबिलिटी बढ़ाई हुई है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको वो सोल्यूशन में चेंज करवा दूंगा ऑप्शन, लेकिन कैश नहीं क्रेडिट हो सकता क्योंकि कैश डेट पे सवाल में दी हुई है। अब क्या करें जी, उसका रिसीवेबल बुक कर चुके हैं तो वही रिसीवेबल काम कर लें। जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, 105, लेकिन क्लास के बाद जाके। अच्छा आगे हाँ ठीक है, लेकिन सेल को इधर तो एडजस्ट तो करना है ना, नहीं कैश आने से तो खत्म नहीं होता ना, पुरानी जो सेल है वो उल्टानी पड़ेगी अपनी किताबों में, कैश आ गया से खत्म नहीं होता, उसे मुंह से बोला हुआ कि पैसे कम कर देंगे। अब राइज वाले आपको कहें भाई ये पहला पेपर पढ़, तूने पढ़ लिया, राइज वाले ने कहा अगला पेपर भी तो पड़ेगा तो पिछले पेपर के पैसे भी तुझे वापस होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि कैश आ गया तो वो सेल है? नहीं, पुरानी सेल भी रिवर्स करेगा। तो अच्छा जी, नेक्स्ट जी, 10 जनवरी, उन्होंने क्या मुकाओ काम नहीं यार, कितने पीछे पे हो, 10 जनवरी क्या आया है भाईजान? कैश आया है। कस्टमर, मेरे ख्याल से कस्टमर इतना अकलमंद होगा कि कस्टमर सोचेगा कि इसके पैसे इतने उसने रिसीवेबल किए हुए हैं और पुरानी के पैसे भी मैंने वापस लेने हैं, तो कस्टमर मेरे ख्याल से रिसीवेबल जब रिसीव करने आएगा सेलर उससे, तो कस्टमर काट के ही पैसे देगा। तो बता दें नई सेल का रिसीवेबल कितना है, पुरानी का कितना वापस करना है, 105, तो नेट रिसीवेबल 755। और इसका एक तरीका ये भी होता है ना, ये देख लें रिसीवेबल खड़ा किस पे हुआ है, डेबिट क्रेडिट नेट करके, अब इतने पैसे कस्टमर से आ जाएंगे, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 7755।
और ये एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है हमने पहले से लिखी हुई थी। 15 जनवरी को एंट्री बता दें, चीज़ें डिलीवर होनी है, चीज़ें बिरयानी के डब्बे आ गए, चीज़ें डिलीवर हो गई, तो ये लाइबिलिटी खड़ी हुई है और खड़ी हुई है, देख लें लाइबिलिटी नज़र आ रही है, ये लाइबिलिटी खड़ी हुई है, इसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, बिठाना नहीं है, इसको लिटा देना है। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, सेल क्रेडिट कितने से जी? ओ भाई सेल की टेंशन ना लें, 215 रुपये मैंने बुक किया है, 215 वाली सेल ही है, सेल 215 वाली है। सोचा तो कुछ और भी था आपको क्या क्या करवाना है आज, लेकिन पच्चीस दिसंबर को हमने जो 28 अगस्त को 3000 चीज़ें 250 की सेल में डाल दी थी, वो 3000 चीज़ों के 35 रुपये सेल में डले हुए हैं। हालांकि सेल बुक होनी चाहिए थी 215 से, लेकिन हमारा अंदाज़ा था कि 250 से होगी, अब वो 35 रिवर्स करने हैं। लेकिन उसे पैसे भी ना दें फ़ौरन, असूली तौर पे तो सेल का रिफंड होना चाहिए, लेकिन उसे पैसे इसलिए ना दें कि पेमेंट डेट सवाल में ज़रा अलग करके दी हुई है, तो इसलिए उसका रिसीवेबल कम कर लें कि उससे इतने पैसे रिसीव नहीं करने। अच्छा अब आप नोट्स में आए, होमवर्क देखें ज़रा, होमवर्क में ये सवाल आ रहे हैं, देखें चिनियोट देख वाला, चिनियोट देख वाला आ रहे हैं सवाल, ये चिनियोट देख वाला सवाल टेक कर लें, चिनियोट देख वाला। अच्छा इसके बाद होमवर्क में ये ढूंढने आ रहे हैं, पेज 119, 20 और 21 पर एग्जाम्पल 1, 2 और 3, पूरा होमवर्क आपका 30 मिनट से कम लेगा। रीज़न इज़ कि जो पेज 119, 20, 21 के किताब पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये वो छोटी छोटी चार एग्जाम्पल्स हैं जो सुबह आते मैंने की थी, छोटी छोटी चार एग्जाम्पल्स जो सुबह आते हुए मैंने की थी, उनकी रिवीजन बड़ी ज़रूरी है, तो पहले आप ये कीजिएगा और फिर बाद में दूसरा वाला सवाल कीजिएगा, ठीक है? क्लोज़ कर दें।